वैशाल भी आप सबका वार्मली वेलकम। आज की जो रेसिपी है इसमें हम कंडेंस मिल्क बनाएंगे, तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी और नहायत ही मुनासिब से अज्जा का इस्तेमाल करते हुए ये मिल्क बनाएंगे। तो सबसे पहले अज्जा देख लेते हैं। यहाँ पे है जी मेरे पास दूध, ये 1 लीटर है। ये चीनी है तकरीबन, ये 250 ग्राम है। यहाँ पे है जी मिल्क पाउडर, ये है 2 चम्मच। और ये बेकिंग सोडा है, ठीक है, ये बस इतना सा है, मतलब 1 पिंच होगा, इससे ज़्यादा नहीं है जी। तो ये तमाम अज्जा हैं और इनका इस्तेमाल करते हुए कंडेंस मिल्क बनाएंगे। तो बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले जो दूध है इसमें मैं ये ड्राई मिल्क ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिल्क पाउडर ऐड कर लिया, अब जो है इसमें मैं ये चीनी ऐड करूँगी और फ्लेम ऑन कर लिया, अब इसे कुक करने के लिए रख देंगे। तो मीडियम फ्लेम पे इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए कुक करेंगे और दरमियान में आप जो है वो इसे हिलाते जाएं ताकि ये स्टिक ना हो। तो शुगर को अच्छे से मिक्स कर देंगे और 15 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे जी। तो 2-3 टिप्स जो है वो नोट कर लेते हैं। नंबर 1 जो है वो ये है कि आप शुगर जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर ही ऐड कर दें और शुगर से पहले जो है ड्राई मिल्क ऐड करें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें। टिप नंबर 2, अगर आप हाई फ्लेम पे इसे कुक करना चाहते हैं तो आप इसके आपको फुल इसे अटेंड करना पड़ेगा, फुल टाइम इसे अटेंड करना पड़ेगा, आप इसे छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। आपको मुसलसल जो है वो इसे मिक्स करना पड़ेगा। और लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आप इसे मुसलसल टाइम नहीं दे सकते तो फर्स्ट जो 15 मिनट्स हैं आप उसको लो फ्लेम पर कुक करें और उसके बाद नेक्स्ट जो है आप क्या करें, नेक्स्ट उसके बाद जो टाइम होगा उस टाइम पर आप इसे अटेंड करेंगे, ठीक है, वो ज़रूरी हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने जो है वो लो फ्लेम पे इसे फ़िलहाल कुक कर रही हूँ, लो टू मीडियम फ्लेम पे जी। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं जैसे कुक करते हैं, अब आप ये देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी इसे मैं मज़ीद जो है वो 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे ही कुक करूँगी, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है जी। तो जब फ्लेम जो है ये मैं हाँ जी तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करते, अब जो है मैं फ्लेम हाई कर दूंगी और मज़ीद इसे कुक करेंगे, इतना कुक करेंगे कि इसकी क्वांटिटी जो है वो हाफ रह जाए। और इसके बाद जो है एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब आप हाई फ्लेम पे इसे कुक करें तो आपको इसे प्रॉपर अटेंड करना पड़ेगा, मुसलसल जो है इसे हिलाना पड़ेगा जी। तो ये आप देख सकते हैं ये थिक होना स्टार्ट हो गया है, अभी हम इसे मज़ीद कुक करेंगे बस। आपने इसे प्रॉपर अटेंड करना है, आप इस टाइम पे जो है प्रॉपरली इसे अटेंड करें, ठीक है, आपने इसके पास से कहीं जाना नहीं है, बस इसे कंटिन्यूसली इसी तरह स्टर करना है। जी तो ये अब आप देख सकते हैं, अब बस मज़ीद 5 मिनट ही इसे कुक करेंगे और ये तैयार हो जाएगा। तो इस टाइम पे आप इसमें जो है वो बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं। बेकिंग सोडा बेसिकली टोटली ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते तो स्किप करें, तो कोई मसला नहीं है। बस ये है कि बेकिंग सोडा का पर्पज़ क्या होता है कि वो इसकी लाइफ टाइम को इनक्रीज़ कर देता है, ठीक है, मतलब उसकी बेस पर जो है ये ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आपने फ़ौरन से यूज़ करना तो कोई मसला नहीं, आप उसे स्किप कर सकते हैं जी। तो ये अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। हाँ जी जी, बस अब मैं इसे मज़ीद कुक नहीं करूँगी क्योंकि अगर मज़ीद कुक किया तो ये थिक हो जाएगा, और इस टाइम पे बस मैं इस कुक करना बंद कर दूँगी क्योंकि ठंडा होकर ये मज़ीद थिक होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये कंसिस्टेंसी जब आए तो कुक करना बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें जी। तो कंडेंस मिल्क जो है ये तैयार है, अब आप इसकी फाइनल लुक जो है वो देख सकते हैं, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़े का और बहुत ही सिंपल सा मेथड है। बस आपको जो है थोड़ा अटेंड करना पड़ता है, इसे अटेंशन देनी पड़ती है, तो ये बहुत इजीली बन जाता है। तो एक बात ये कि कंसिस्टेंसी का ख्याल रखें, जिस टाइम पर आपको कहा गया था बस उस टाइम तक ही इसे कुक करें, उसके बाद जैसे ही ठंडा होगा तो ये थिक हो जाएगा खुद ही जी।
जी, तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपनी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।